दुर्ग के अमलेश्वर में ज्वेलरी संचालक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल अमलेश्वर में 1 से 1.5 बजे के बीच में व्यापारी सोनी को दो लोगों ने गोली मारी। दो लोग बाहर बाइक में इंतजार कर रहे थे। कुल चार लोग पहले बाइक में हत्या करके फरार हुए और रायपुर में उन्होंने बाइक को छोड़ के एक दिल्ली रनिंग जो कार है उसके थ्रू भागने की कोशिश कर रहे थे। बाइक से पहले पताफाजी करने के बाद दो लोगों का बिहार के मुजफ्फरपुर और गया के रहने का मालूम चला और उसके बाद टेक्निकल आधार पे उनके पीछा किया गया टोल नाका और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे। और आज बनारस में करीब 4 बजे के करीब इन चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। सौरव कुमार सिंह जो कि गया का रहने वाला है, अभय कुमार भारती जो कि थाना धारापुर चंदौली यूपी का रहने वाला है, आलोक कुमार यादव जो कि छपरा बिहार का रहने वाला है और अभिषेक कुमार झा जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। इनके पास से सोने चांदी जो है वे रिकवर हुए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है, लोकल कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। उनसे बयान लेने के बाद बाकी खुलासा करना संभव होगा। दुर्ग पुलिस ने 24 घंटे के अंदर यूपी पुलिस की मदद से, झारखंड पुलिस की मदद से इन चार लोगों को पकड़ने में अहम सफलता प्राप्त की है।